राम राम सारियानु। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है 18 फरवरी और दिन है संडे। तो फिलहाल हम लोग कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ के ट्रिप पे हैं, बताइए जरा आप। मथुरा पहुँचे हैं। ट्रिप कहाँ की कर रहे हैं हम लोग? ये मेरठ। हाँ जी, तो हम लोग जो है ना आज जा रहे हैं मेरठ, और हम लोग रात में निकल लिए थे 2 बजे। तो जैसा कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा कि मेरी भतीजी कुकू का बर्थडे था, हैप्पी वाला बर्थडे। तो रात हमने जो है ना खूब धूम मचाई, खूब मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। और वहाँ से हम लोग निकले, लौटे रात 12 बजे, और फिर घर पे आके थोड़ी बहुत पैकिंग करके रात में 2 बजे हम लोग घर से निकल लिए थे। तो फिलहाल अभी बहुत भयंकर नींद आई थी। तो मथुरा में हम लोग जो है ना एक शिवा ढाबा करके था, बहुत ही बेहतरीन, तो और काफ़ी बड़े स्पेस में बहुत रौनक थी। तो वहीं पे हम लोग सुबह 4 बजे गाड़ी लगाकर सो गए थे। तो बस अभी उठे हैं, बज रहा है 8:30 या 9 बज रहा है शायद, उठे हैं। तो अब जो है हम लोग वहाँ से थोड़ा सा निकल के, और हम लोग ये मैजिक फूडी जोन करके है, मैजिक फूडी जोन। तो बस अब यहाँ से ये मथुरा वगैरह, आगरा वगैरह स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ से बस मेरठ तक फिर सारे यही ढाबे वाबे नहीं, मैजिक फूडी जोन टाइप के रेस्टोरेंट ही मिलते हैं, सारे एक जैसे, कि कन्फ्यूज हो जाओ कि मतलब सारे में फ़र्क क्या है। तो बस वहाँ से हम लोग लेकर आए हैं ये कुल्हड़ वाली चाय। तो ये है कुल्हड़ वाली चाय। तो चौहान साहब कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं। कैसी है चाय? जबरदस्त। हाँ, तो फिलहाल सुमित पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय, और चलो मैं भी पी लेती हूँ, फिर निकलते हैं हम लोग। और ये है मैजिक फूडी करके, ये बेहतरीन चाय है, बेहतरीन। यहाँ पे देखिए, आज है संडे, और कल रात में जैसा कि मैंने बताया हम लोग कानपुर से मेरठ के लिए निकले थे। तो पूरी रात सुमित गाड़ी ड्राइव करते रहे, मैं तो बीच में सो गई थी, और फिर सुमित भी गाड़ी लगा के जो है करीब 1-2 घंटे के लिए सुमित भी ने जो है एक ढाबे पे गाड़ी लगा दी थी, और फिर सुमित ने भी रेस्ट कर लिया था। फिर हम लोगों ने जो है चाय पी, और उसके बाद तो आपने देखा है कि हम लोग मैजिक फूडी में भी रुके, वहाँ पे भी चाय वगैरह पी के हम लोग फिर से निकल लिए हैं मेरठ के रास्ते पे। और अब यहाँ पे देखो, रास्ते में तो कितने टोल पड़े हमें पता नहीं, और जब हम मेरठ जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ही टोल पड़ते हैं। और मेरठ जब हम जाते हैं तो ये पेट्रोल और CNG के खर्चे से ज़्यादा तो हमें टोल का खर्चा पड़ जाता है, टोल भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं जब हम लोग मेरठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये टोल पड़ा था, और अभी तो हम लोग पूरा रेस्ट वगैरह अच्छे से कर चुके हैं अपनी गाड़ी में ही, तो बस शरीर में एनर्जी है, फुर्ती है, और बस हम लोग के मन में बस यही है कि जल्दी से हम लोग जो है मेरठ पहुँच जाएं, क्योंकि आज जो है आंचल हमारी देवरानी जी की डिलीवरी होने वाली है। तो ये देखिए फिलहाल ये बाइकर्स, तो हमारी गाड़ी के आगे पीछे बाइकर्स की भी गाड़ियाँ थी, तो बस इनको देख कर ना बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, और बच्चे जो है इनके पास आकर इनका ऑटोग्राफ भी ले रहे थे। तो शायद अब देखा नहीं कि हेलमेट के पीछे कौन सा चेहरा है, हो सकता है बहुत फेमस बाइकर्स होंगे, क्योंकि मैंने देखा एक जगह बाइकर्स जा रहे थे तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो बच्चे क्रिकेट अपना गेम छोड़ के बाइकर्स के पास भाग कर आए और इनको हाथ दे रहे थे और इनका ऑटोग्राफ वगैरह लिया। तो बस यहाँ पे ये देखिए मेरठ, जब हम लोग जाते हैं ना तो कानपुर से मेरठ का रास्ता बहुत ही औसम है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है कि मज़ा आ जाती है। और बस यहाँ पे बस करीब 11:30 बज रहा था, और हम लोग भी जो है ना 12:30 या 1 बजे तो हर हाल में हम लोग जो है मेरठ पहुँच ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे अभी तो खिली खिली अच्छी धूप निकली है, और हम भी आराम से मेरठ के बढ़िया बढ़िया अच्छे रास्तों पे गाने सुनते हुए बढ़िया अपना सफर एंजॉय करते हुए जो है मेरठ
सो गाइस, तो हम लोग फिलहाल नोएडा पहुंच चुके हैं, नोएडा में हैं इस समय, और सुबह का करीब 10:30 बज रहा है। फिलहाल अभी हम लोग जो है CNG फिल करवाने के लिए रुके हुए हैं, और सुबह रुके थे, मतलब हाँ सुबह क्या वही करीब रुके थे 4 बजे के आसपास, हाँ सुबह 4 बजे के आसपास ही रुके थे CNG के लिए। उसके बाद फिर अब हम लोग रुक रहे हैं। खैर ये अच्छा है कि कानपुर से जो मेरठ का रूट है ना, उसके हमें CNG बैक टू बैक अच्छे से मिलती चली जाती है। हाँ जब कानपुर से पुणे या पुणे से कानपुर आते हैं ना, तब थोड़ा सा CNG का कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कहीं CNG नहीं मिलती है, लेकिन कानपुर टू मेरठ के रूट पे जो है ना CNG जो है ना हर जगह अवेलेबल है, आसानी से CNG हर जगह मिल जाती है, तो हमारी गाड़ी जो है ना कानपुर में जाने से बच जाती है। फिलहाल अब जो है मुझे लगता है कि हम लोग 2 घंटे में पहुँच जाएँगे मेरठ, क्योंकि हम लोग कहीं रुक तो रहे नहीं हैं। और मैं सबसे बोल रही थी कि हाईवे पे मुझे 2 गाड़ी ड्राइव करने के लिए एक्सप्रेस वे पर, तो मैंने बोला कि गाड़ी चलाओगे तो लेट हो जाएगा, हम लोग 1 घंटा लेट पहुँचेंगे, टाइम लगेगा, जल्दी पहुँचना है, तो फिलहाल जल्दी टाइम से पहुँच जाते हैं ताकि जो है घर पहुँच के भी रेस्ट वगैरह भी कर लेंगे, तो फिर इसलिए सुनी थी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हाँ क्या हुआ भैया? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9654164614। मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है नोएडा में, अगर किसी को किस रिक्वायरमेंट है, ईंट, रोड ईटर, सीमेंट, जमना रेता, तो मुझे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, और मैडम के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? फिलहाल भैया ने अपने काम के बारे में बताया, तो नोएडा के और दिल्ली के जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ जिसको भी जो है ना इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वो भैया को जो है कांटेक्ट कर सकता है, मेरे ब्लॉग पे कमेंट करके मुझे मैसेज करके बता सकता है। और थैंक यू। पेमेंट कर दिया क्या? क्या पेटीएम? क्या करें? पेटीएम क्या? तो फिलहाल मेरे ब्लॉग पे इस पे कमेंट करके आप बता सकते हो, जिसको भी जो भैया ने बताया अभी अपने काम के बारे में, जिसको भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरे चैनल गज़ब ऑनलाइन पे इतना गौर फरमाया। खैर अच्छा लगता है कि जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब तो मुझे कोई नहीं जानता था, कोई इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते हैं मेरे से कांटेक्ट करने के लिए और खुद आके मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिलहाल आज अच्छा लगा, अच्छा लगता है जब भी हम लोग रूट पे निकलते हैं ना, तो इस तरह काफ़ी लोग मिल जाते हैं ना, काफ़ी लोग मिल जाते हैं। तो चलिए थैंक यू वकील अख्तर साहब। फिलहाल CNG फुल हो चुकी है और हम फिर से आ चुके हैं अपने ऑन द वे मेरठ। सो गाइस, तो फाइनली बज रहा है 11:30 और हम लोग मेरठ पहुंच चुके हैं, और मेरठ पहुंचने के बाद अब हम लोग जो है ना घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरी देवरानी है उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तो वो कल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और खुशखबरी है तो भाई हमारी जो है चौहान फैमिली में, हमारे घर में एक बार फिर से खुशियों की किलकारी गूंज उठी है, तो हमारे घर में छोटी सी जो है छोटी खुशी आ चुकी है। खुशी को तो आप सब लोग जानते हैं, तो खुशी की बहन आ चुकी है, ठीक है, 1 घंटे पहले छोटी खुशी का जन्म हो चुका है। तो हम लोग अभी घर नहीं जा रहे, हम लोग सीधे जा रहे हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे आंचल की डिलीवरी हुई है, तो हम लोग उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में सबसे मिलने के बाद और बेबी को देखने के बाद, उसके बाद फिर हम लोग घर निकलेंगे, तब घर जाएंगे। तो फिलहाल अभी तो बस अब मुश्किल से 20 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, तो फिलहाल चलिए फटाफट पहुँचते हैं हॉस्पिटल और अपनी छोटी खुशी, हाँ छोटी खुशी, फिलहाल मैंने तो अपनी छोटी सी क्यूट सी जो हमारे घर में न्यू मेंबर छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आई है ना, तो मैंने तो जब किट्टू हुई थी तो मैंने उसका भी तुरंत नाम रख लिया था कि
जो नाम मुझे बुलाना है हमेशा लाइफ टाइम। तो मैंने खुशी का नाम तुरंत किट्टू रखा था, तो आज वो किट्टू के नाम से बुला, मैं और चौहान साहब तो किट्टू ही बुलाते हैं उसको। तो फिलहाल आज छोटी सी जो प्रिंसेस हमारे घर में आई है, तो मैंने उनका भी नामकरण कर लिया है और मैं तो लाइफ टाइम उनको वही बुलाने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए छोटी सी प्यारी सी क्यूट डियर डार्लिंग बेबी का नाम शेयर करती हूँ। तो छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा जो मैंने नेम रखा है ना उसका, तो वो है कुहू। कुहू कुहू मतलब बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशी, वो हमेशा चहचहाती रहेगी। कुहू 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 कुहू। तो मैंने छोटू सू बेबी का अपना नाम कुहू रखा है और लाइफ टाइम में कुहू ही बुलाने वाली हूँ। तो फिलहाल अच्छा है ना, किट्टू एंड कुहू है ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बढ़िया मैच कर रहे हैं ना। तो फिलहाल चलिए अभी हम पहुंचने वाले हैं और हॉस्पिटल पहुंच के आपको मिलवाती हूँ अपनी छोटी लिटिल एंजल कुहू से। गाइस तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल जहां पे आंचल एडमिट थी, और ये देखिए हमारे आने के 2 घंटे पहले ही जन्म हो चुका है हमारी कुहू का। तो फिलहाल हमारे घर में फिर से गूंजी खुशियों की किलकारी। तो यहां पे आ चुकी है हमारी किट्टू की छोटी बहन, हमारे घर में आई एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी देवरानी जी को हुई है बेटी, और हमारे मेरठ पहुंचने से पहले 2 घंटे पहले ही, मतलब हम जब रास्ते में थे, जब हम पेट्रोल नोएडा से पेट्रोल जो है गाड़ी में, सॉरी अपनी सीएनजी फुल करवा के निकले थे ना, तो वहीं से जो है हमें मम्मी का कॉल आ गया था कि जो है बेटी का जन्म हो चुका है। तो बस यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे, और आते ही हमने बिटिया रानी को लिया अपनी गोदी में, और बहुत ही क्यूट है ये, बहुत ही प्यारी है। बस इनको देखकर तो खुशी भी छोटी थी ना तब ऐसी ही थी, और खुशी बहुत एक्साइट, जब हम आए ना तब खुशी सो रही थी, और ऐसे खुशी बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मेरी बहन मैं दीदी बन गई हूँ, तो इसको गोदी लेने के लिए मुझे गोदी लेना है। और जब खुशी को थोड़ी देर के लिए इसको गोदी दिया गया ना, तो खुशी परेशान हो गई कि अरे इसको कोई उठा लो, ये बहुत भारी है। तो बस, और लेकिन देखकर खुशी इसको बहुत खुश हो रही थी कि मेरी छोटी बहन आ गई है। तो बस देखिए हमने इनका नाम, इनको भी हमारे बीच में आए हुए 2-2.5 घंटे ही हुए थे, और हमने इनका नामकरण भी कर दिया, और किट्टू और किट्टू की बहन कुहू, तो हमने इनका नाम रख दिया है कुहू। तो फिलहाल देखो इनको भूखू बहुत जोर से लगी है, कैसे रो रही है, जरा सा दूध की बोतल बाहर निकल गई तो कितनी जोर जोर से रोने लगी। तो यहाँ पे खुशी सबको चुप करा रही थी कि कुहू दूध पी रही है, वो परेशान हो जाएगी, कोई बातें नहीं करो, सब लोग साइलेंट रहो, नहीं तो वो रोएगी, सब लोग चुप रहो। तो मम्मी जो है ना ये यहाँ पे कुहू को बॉटल पिला रही थी, कुहू भूखी थी, और खुशी जो है ना अपनी बहन को खिलाने में मस्त थी कि बस मैं दीदी बन गई हूँ, मैं बड़ी दीदी बन गई हूँ, अब ये मुझे दीदी बोलेगी, और बहुत मस्ती कर रही थी, और हमारे साथ भी बहुत मस्ती कर रही थी कि मॉम और डैडू आ गए हैं। तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा खुश थी कि खुशी के मॉम और डैडू आ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है 12:30 के आसपास हॉस्पिटल पहुँच गए थे, और 11:30 के आसपास मतलब कुहू का भी जन्म हो चुका था हमारे आने के 1-2 घंटे पहले। तो बस सब कुछ अच्छा है, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और तो बस आप हमारी कुहू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा अपना, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बस यही था हमारा आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग। पहले तो जो है ना हम लोग कल रात में ही 12 बजे घर से निकले थे, 2 बजे, इतनी थकान थी कि मैं घर से निकलने के बाद वहां से वीडियो ले ही नहीं पाई, मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई, इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी। फिर मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किया कि चलो मॉर्निंग से थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इस वजह से आपको मेरे इस व्लॉग में थोड़ी एनर्जी थोड़ा कम दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो को
पूरा फुल वॉच कीजिएगा और मेरे कुहू को और किट्टू को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल किट्टू जो है ना मॉम और डैडुल कर आए हैं किट्टू के लिए गिफ्ट, तो किट्टू अपने गिफ्ट खोलने में बिजी हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और हमें वीडियो को फुल वॉच करके हमें कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए फिर।